Now learning physics will be great fun with a physics teacher. A solution to all problems in physics. The physics teacher. A block of mass 2 kg is placed on a rough horizontal surface with coefficient of friction 0.2 and is being acted upon by a time dependent force F is equal to 2t, where t is in seconds. The velocity of the block at t is equal to 4 seconds is. तो आपको क्या गिवन है? आपको एक ब्लॉक गिवन है. वो कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका मास 2 किलोग्राम है. क्लियर? नाउ इट इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस. रफ सरफेस मींस इट हैज सम फ्रिक्शन एंड द करस्पोंडिंग कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.2 एंड वी आर अप्लाइंग अ फोर्स 2t मींस अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स वी आर अप्लाइंग ऑन दिस ब्लॉक. तो सबसे पहले ये देखें कि जो फोर्स है वो टाइम पे डिपेंड कर रही है. इसका मतलब क्या है? जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट नहीं है. वो कांस्टेंट नहीं है. इसका मतलब जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको नोन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उनको भूल जाइए. उनमें से कोई नहीं लगेगी और मोस्टली स्टूडेंट्स यही गलती करते हैं, तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. अब यहाँ देखते हैं f इज इक्वल टू 2t. तो इसका मतलब क्या है? फोर्स टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है. दूसरा, यहाँ पे फ्रिक्शन दिया है. तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या ये फोर्स लगाने से ऑब्जेक्ट चलेगा भी या नहीं. तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं? FMS. कैसे चेक करेंगे? FMS से. तो FMS मींस फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एंड द नॉर्मल रिएक्शन विच इज हेयर 20 न्यूटन. क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू 4 न्यूटन. जो फोर्स है, मतलब जो अप्लाइड फोर्स, जब तक अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा नहीं होती, तब तक ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा. या आप इक्वल टू भी लिखें. इक्वल टू का मतलब ऑब्जेक्ट इज एट द वर्ज ऑफ मोशन. तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो तभी चलेगा कब? जब टी ग्रेटर देन 2 सेकेंड होगा. उस सिचुएशन में जो अप्लाइड फोर्स है वो फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होगी. क्लियर? और जब ऑब्जेक्ट चलेगा तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी? ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन है नेट फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसको स्टूडेंट मिस करते हैं. तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या होगी? दैट इज 2t मींस द अप्लाइड फोर्स, जो टाइम की टर्म्स में लिखी है यहाँ पे, माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे म्यू के और म्यू एस में कोई डिस्टिंक्शन नहीं दी है, तो हम उसको सेम मान के चल रहे हैं कि ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में. क्लियर? तो जो नेट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी टी इज ग्रेटर देन 2 सेकेंड के बाद, वो इतनी होगी और डिवाइडेड बाय मास. तो हमारे पास जो एक्सेलेरेशन का टाइम फंक्शन आएगा, दैट इज टी माइनस 2. क्लियर? तो यहाँ से अब हम वेलोसिटी निकालेंगे. तो हमें पता है कि जो एक्सेलेरेशन है दैट इज डी वी बाय डी टी, दैट इज इक्वल टू टी माइनस 2. और फ्रॉम हेयर यू कैन राइट वी इज इक्वल टू t minus 2 dt. And the next important step, that you have to integrate this function from t is equal to 2 second to t is equal to 4 seconds. तो अगर आप इसको solve करेंगे, you will get v is equal to 2 meters per second. So the option, right option is 3rd. Clear? तो यहाँ पे जो important steps थे मैं उनको दोबारा revise करा रहा हूँ. सबसे पहले एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है. क्लियर? तो जो जनरल स्टूडेंट्स गलती करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस लगा देते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, वो नहीं लगेंगी क्योंकि वो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए. दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है. सपोज यही क्वेश्चन होता
और वो कहता कि व्हाट इज़ द वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, और इनमें से कोई एक ऑप्शन क्या होती, ज़ीरो होती, तो आंसर आता ज़ीरो। क्लियर? पर यहाँ पे हमको 4 सेकेंड में पूछा है, तो हम सबसे पहले यही चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट चल भी रहा है या नहीं चल रहा। तो उसके लिए क्या है, अप्लाइड फोर्स फोर्स ऑफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि 2 सेकेंड के बाद होगी। और उसके बाद जब आप एक्सेलेरेशन लेंगे, तो जो एक्सेलेरेशन है उसमें आपको नेट फोर्स इंक्लूड करनी है। क्लियर? तो उससे हमारे पास ये रिज़ल्ट सक्सेसफुली आ जाएगा।